कृष्ण नगरी मथुरा वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में हादसे की खबर है। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी की मंगला आरती के दौरान मंदिर में भगदड़ मच गई, जिससे हादसा हो गया। मंदिर में मची भगदड़ में दो लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया है। मथुरा के SSP अभिषेक यादव ने जानकारी दी है कि मथुरा के वृंदावन बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान मंदिर परिसर में काफी श्रद्धालु मौजूद थे। भीड़ के कारण लोगों की तबीयत बिगड़ी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष श्रद्धालु की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। हम आपको बता दें कि मंगला आरती सुबह की सबसे पहली आरती होती है, जिसे 3 या 4 बजे के आसपास किया जाता है। कल दिन भर से श्रद्धालुओं की खासी तादाद मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँच रही थी। मंगला आरती के दौरान भी मंदिर में भारी भीड़ थी। इसी दौरान अचानक भगदड़ मचने की बात सामने आई। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हमेशा देश विदेश के श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहता है, लेकिन जन्माष्टमी के अवसर पर भीड़ बढ़ जाती है। जन्माष्टमी पर वैसे तो मथुरा के 84 कोस में बसे सभी मंदिरों में भीड़ होती है, लेकिन बांके बिहारी मंदिर में दिन का कोई भी समय ऐसा नहीं होता जब मंदिर श्रद्धालुओं से खचाखच ना भरा हो। यह भी कहा जा रहा है कि जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा वृंदावन के सभी होटल, लॉज और आश्रम भरे हुए थे। जन्माष्टमी मनाने के लिए लाखों लोगों की भीड़ आई हुई थी और बहुत से लोगों ने फुटपाथ पर भी सोकर रात बिताई। प्रशासन की ओर से कहा गया कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम तो किए गए थे। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मथुरा जाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा की थी, जिस वजह से काफी लोग मथुरा पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि करीब 50 लाख श्रद्धालु मथुरा में जन्माष्टमी मनाने पहुंचे थे, जो इलाके की क्षमता के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या है।